नमस्कार, इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी अपडेट है राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में नहीं होगा कोई असर, लेकिन बता दें 13 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हो जा रहा। मौसम विभाग बार बार कभी 9 कभी 11 कभी 13 सितंबर बता रहा, आखिरकार होने वाला क्या है? पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर मॉनसून एक्टिव होने वाला है। बता दें बंगाल की खाड़ी में आए एक नए चक्रवात का राजस्थान में कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। मौसम विभाग के अनुसार इस चक्रवात कमजोर पड़ने के बाद ही 13 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मॉनसून एक्टिविटी होने से कोटा भरतपुर में उदयपुर संभाग के जिलों में बारिश का एक बार फिर दौर शुरू हो सकता है। इस चक्रवात का पश्चिमी राजस्थान में कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी राजस्थान तक सीमित रह सकती है। बता दें मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही राजस्थान तक कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है, जो बंगाल की खाड़ी में बना एक सिस्टम की वजह से अब कोई राज्य में आपत की बारिश बन सकता है। लेकिन ताज़ा अपडेट यह है, निम्न दबाव का राजस्थान गुजरात पाकिस्तान की तरफ ने जाकर पहले ही उत्तर पूर्वी को मुड़ जाएगा। पूर्वी मध्य प्रदेश को कवर करके उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश संभव है। बता दें राजस्थान के कुछ इलाकों में 12 सितंबर के आसपास पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, किस जिले में कहां कितनी बारिश होने वाली है। सारी विस्तृत जानकारी आपको हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आज की बात करें तो आज जहां कैसा रह सकता है मौसम, तो जरूर आपको बता दें। इस समय की बात करें तो उदयपुर संभाग के कई भागों में बादलवाई देखने को मिल रही है, साथ ही कोटा संभाग के भी कुछ जिलों में बादलवाई देखने को मिल रही है, साथ ही बीकानेर के भी कई क्षेत्रों में बादलवाई है और बाकी जगह पर मौसम लगभग साफ महसूस का बना हुआ है। कुछ आने वाले समय की बात करें तो राजस्थान में मौसम कैसा रह सकता है बता दें जानकारी के लिए। धीरे धीरे बादलवाई यानी पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। बीकानेर, जैसलमेर और सरदारशेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के कई क्षेत्रों में दोपहर के वक्त छींटे पड़ सकते हैं, बादलवाई देखने को मिल सकती है। साथ ही इक्का दुक्का स्थानों पर तेज खंड बारिश का उदयपुर व कोटा संभाग के कई एक दो स्थानों पर अत्यंत तेज खंड बारिश का दौर बना रहेगा। बाकी जगहों पर बादलों के बीच बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, कोई खास इंटेंसिटी आज नहीं रहेगी। बाकी जगहों पर मौसम साफ महसूस का बना रहेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मौसम के सही में ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।